आपकी वॉइस जितनी क्लियर एंड क्रिस्प होगी, ऑडियंस को वो वीडियो उतनी ही इंगेजिंग लगेगी। बट हम सबकी वॉइस तो अलग होती है, तो हम अपनी वॉइस को कैसे चेंज करें? नो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी वॉइस को चेंज कर लो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी वॉइस को एडिट करके उसे और भी बेटर कर सकते हो। अगर आपके पास माइक नहीं है, फिर भी आप ऑडियो को एडिट करके इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करें। याद रखना कि आप मोबाइल के डिफॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर से ही रिकॉर्ड करना। अगर आपके पास माइक नहीं है तो कोशिश करना कि आपकी वॉइस में ज्यादा इको ना हो और ज्यादा नॉइज ना हो। उसके लिए आप अपने रूम को जितना हो सके उतना भर दो सामान से, और चाहो तो दीवारों पर पर्दे भी लगा देना जिससे आपकी वॉइस इको ना हो। अब वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद उसे लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर ओपन कर लेना। अब सबसे पहले हम नॉइस रिमूव करेंगे ऑडियो में से। यहाँ साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स, यहाँ से नॉइस रिडक्शन, इसे डिफॉल्ट सेटिंग पर ही रखना। अगर वीडियो में ज्यादा नॉइस हो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, मगर ज्यादा मत करना। फिर उसके बाद इफेक्ट्स में जाके इक्वलाइजर में जाना। अब जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ उसे हमेशा याद रखना। आपकी वॉइस में ये दो चीजें होती है, बेस और ट्रेबल। ये लेफ्ट वाला सेक्शन बेस के लिए है और ये राइट वाला सेक्शन ट्रेबल के लिए है। मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ। ये है एक नॉर्मल ऑडियो। ऑडियो वीडियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सो उस पर भी ध्यान दो, वीडियो बेटर परफॉर्म करेगी। अब मैंने इसमें बेस ऐड कर दिया। ऑडियो वीडियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सो उस पर भी ध्यान दो, वीडियो बेटर परफॉर्म करेगी। अब मैंने इसमें ट्रेबल ऐड कर दिया। ऑडियो वीडियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सो उस पर भी ध्यान दो, वीडियो बेटर परफॉर्म करेगी। ये डिफरेंस होता है इनमें। अब सबके लिए मैं ट्रेबल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्रेबल को ही बढ़ाओ, क्योंकि किसी की वॉइस पर बेस भी अच्छा लगता है। अब आपको सिंपली ये ट्रेबल वाले सेक्शन में जो लास्ट वाला है उसे ऊपर कर देना है, इससे वॉइस और भी क्रिस्प एंड क्लियर आएगी। देन लास्ट में इफेक्ट्स में जाके नॉर्मलाइज कर देना ऑडियो को, इससे आपकी ऑडियो एडिटेड नहीं लगेगी। सो आई होप आपको इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में समझ आ गया होगा कि ऑडियो कैसे एडिट करना है, उसे क्रिस्प एंड क्लियर बनाना है। अब ऑडियो एडिटिंग तो आप सीख गए। अब वीडियो के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर 3 अमेजिंग इफेक्ट बताए, आप एक बार इसे जरूर चेक करना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।